सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नौकर मोटर ऑफिशियल। मेरा नाम है दर्शित कोठारी और मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं मेरी चैनल पे। जैसी तरह दोस्तों आप देख रहे हो कि हमारे वहां आज हुंडई की i20 इलाइट जो बेसिक वर्जन है वो आज हमारे वहां एसेसरीज करने के लिए आई हुई है। तो चलिए चेक करते हैं कि कंपनी वालों ने क्या क्या एसेसरीज दी हुई है। सो गाइस, तो कंपनी वालों ने दिया हुआ है प्लेयर, म्यूजिक प्लेयर दिया हुआ है जिसके अंदर आप यूएसबी, ऑक्सिलरी, ब्लूटूथ सारी का फंक्शन है। और हाँ, पावर विंडो भी दिए हुए हैं। जो नहीं दिया हुआ है वो है सीट कवर्स, नीचे की लेदर फ्लोरिंग मैटिंग और बहुत सी एसेसरीज है जो नहीं दी हुई है कंपनी ने। तो आज हम लोग इस गाड़ी में काम करने वाले हैं, बहुत ही सारा एसेसरीज का काम बहुत ही सारा करने वाले हैं। सो एंड तक वीडियो जरूर देखेगा। तो आइए शुरू करते हैं। इसी तरह दोस्तों आपको सबको पता है कि होंडा i20 इलाइट बहुत ही कंफर्ट कार है और उसकी सीट जो है वो बहुत ही कंफर्ट है और उसमें आपको थकान भी नहीं लगेगी और आप कंफर्ट तरीके से आप बैठ भी सकते हो और ट्रैवलिंग भी कर सकते हो। जैसी तरह दोस्तों आप देख रहे हो कि हमारे पास बहुत ही वैरायटी में सीट कवर्स भी अवेलेबल है। उसमें बेसिक रेंज से स्टार्ट होता है और प्रीमियम रेंज तक भी हमारे वहाँ सीट कवर आपको मिल जाएंगे। जैसी तरह दोस्तों आप देख रहे हो कि प्रॉपर इंटीरियर के हिसाब से भी कलर होता है और कॉन्ट्रास्ट में भी कलर होता है। जैसी तरह दोस्तों आप देख रहे हो कि i20 का इंटीरियर क्रीम और ब्लैक कलर का है तो वो हिसाब से भी हम लोग सीट कवर बेचते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से फिटिंग भी होता है, बकेट फिटिंग, क्लिपिंग फिटिंग, तो कोई भी दिक्कत नहीं आती सीट कवर्सों में। जैसी तरह दोस्तों आप देख रहे हो कि कस्टमर्स ने ब्लैक कलर का सीट कवर चॉइस किया हुआ है। जैसी तरह दोस्तों आपको सबको पता है कि कार का जो ओरिजिनल मैटिंग होता है वो कारपेट मैटिंग होता है, जिसको बोलते हैं वेलवेट की मैटिंग, और उसके अंदर बहुत ही मिट्टी जाती है और वो बहुत ही गंदा रहता है, उसको साफ करने में भी दिक्कत होती है। तो आज हम लोग इसमें लेदर कारपेट मैटिंग लगाने वाले हैं। जैसी तरह दोस्तों आप देख रहे हो कि नीचे की फ्लोरिंग मैटिंग लगाने में पूरी की पूरी सीट खोलनी पड़ती है और हाँ, नीचे वैक्यूम लगाना पड़ता है, जैसी तरह पूरा का पूरा जो फ्लोर है वो एकदम क्लीन हो जाता है। बाद में उसको हम लोग लेदर मैटिंग से कवर अप करते हैं। जैसी तरह दोस्तों आप देख रहे हो कि पूरी की पूरी जो नीचे की फ्लोरिंग मैटिंग लगी हुई है उसके ऊपर जो मिट्टी थी वो हम लोगों ने साफ कर दी है और हम लोग इसके अंदर मैटिंग लगाने वाले हैं। जैसी तरह दोस्तों आप देख रहे हो कि MVS कंपनी की जो लेदर कारपेट मैटिंग है वो हम लोग आज i20 इलाइट में लगाने वाले हैं। जैसी तरह दोस्तों आप देख रहे हो कि नीचे की फ्लोरिंग लेदर कारपेट मैटिंग जो है वो लग चुकी है, वो बहुत ही फिनिशिंग से लगी हुई है और इसको आप आसानी से साफ भी कर सकते हो। उसमें कोई भी मिट्टी नहीं रहेगी, पानी नहीं रहेगा और आसानी से आप बिल्कुल साफ कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हो कि ये वाले वेरियंट में कंपनी सीट कवर नहीं देती है। सो गाइस, तो हम लोग आज ये वेरियंट में सीट कवर लगाने वाले हैं। सो गाइस, तो इसमें बहुत तरीके के फिटिंग होते हैं सीट कवरों में, बकेट फिटिंग होता है, स्टिचिंग फिटिंग होता है, क्लिपिंग फिटिंग होता है। सो गाइस, तो प्रॉपर तरीके से फिटिंग हम लोग करते हैं, जैसे कि आप सीट पर बैठते हो तो सीट कवर हिलते नहीं है, प्रॉपर फिटिंग में होते हैं। सो बहुत ही उसका अच्छा लुक होता है और आसानी से आप साफ भी कर सकते हो और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। Thank you.
जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि इंडिया में मिट्टी की प्रॉब्लम बहुत ही है, बहुत ही मिट्टी जम जाती है कार के ऊपर और उसको साफ़ करने में भी बहुत ही दिक्कत होती है। सो गाइस, तो आज हम लोग ये कार में 3M का टेफ्लॉन कोटिंग करने वाले हैं। सो गाइस, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, शाइनिंग भी आ जाएगी, नॉर्मल स्क्रैचेस भी निकल जाएंगे, जो काले काले धब्बे हैं वो भी निकल जाएंगे, साफ सफाई करने में भी बहुत ही आसानी रहेगी आपको। जैसे जैसे दोस्तों आप देख रहे हो कि टेफ्लॉन कोटिंग का काम भी शुरू हो चुका है। सो गाइस, तो टेफ्लॉन कोटिंग बहुत ही अच्छा रहता है, पूरी गाड़ी की शाइनिंग आ जाती है। और हाँ, टेफ्लॉन कोटिंग के बाद होगा इंटीरियर का कोटिंग। इंटीरियर के अंदर हम लोग पॉलिश करते हैं, टायर क्लीनअप करते हैं, टायर की जो पॉलिश होती है वो पॉलिश होते हैं, और अंदर का जो डैशबोर्ड है, चार दरवाजे के फाइबर के जो पेड़ है उसको भी हम लोग पॉलिश करते हैं। तो अंदर से भी कम्प्लीटली हम लोग क्लीनअप करते हैं और बाहर से भी पूरा का पूरा हम लोग क्लीनअप करते हैं। जैसे तरह दोस्तों आप देख रहे हो कि पूरा का पूरा एलॉय व्हील भी बहुत ही शाइन मार रहा है और उसका जो फिनिशिंग है, टायर क्लीनअप हो चुका है और बहुत ही बढ़िया तरीके से 3M कोटिंग करा हुआ है। दोस्तों आप देख रहे हो कि पूरा का पूरा वर्क खत्म हो चुका है और हाँ, उसकी फिनिशिंग शाइनिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से आई हुई है। 3M टेफ्लॉन कोटिंग करने का फायदा यही है कि बहुत ही अच्छी से शाइनिंग आती है और एक भी स्क्रैचेस नहीं रहते हैं। सो गाइस, तो आपके पास भी कार है तो हमारे वहाँ एक बार विजिट जरूर करिएगा। हमारे वहाँ एकदम रिजनेबल और परफेक्ट फिनिशिंग से काम होता है। सो गाइस, तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और हाँ, कमेंट भी दे सकते हो कि आज का वीडियो कैसा रहा। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि कार एसेसरीज के रिलेटेड ऐसी अपडेट हम आप तक पहले पहुंचाते रहेंगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट मी।